एम स्टॉक ऐप पे अगर आप भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करने जा रहे हो तो पहले आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि एम स्टॉक ऐप पे डीमैट अकाउंट ओपन करने का आपका एक ही रीजन होगा कि आप अपने ब्रोकर चार्ज को फ्री कराना चाहते होंगे। तो यहाँ पे आपका ब्रोकर चार्ज तो फ्री हो जाएगा, बट आपको अदर चार्जेज पे करने होंगे, जो आगे आपको इस वीडियो को पूरा देखने के बाद पता चल जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं एम स्टॉक ऐप का फुल रिव्यू करने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आजकल आपको एम स्टॉक का एड काफी देखने को मिल रहा होगा, जिसमें एक क्लियर बताया जा रहा है कि अगर आप एम स्टॉक ऐप पे अकाउंट क्रिएट करते हो तो यहाँ पे आपका जो ब्रोकरेज चार्ज है वह बिल्कुल फ्री हो जाएगा और आपको यहाँ पे कोई भी ब्रोकरेज चार्ज पे नहीं करने होंगे। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि अगर हम एम स्टॉक ऐप पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो यहाँ पे हम जितना भी ट्रेड ले हमें कोई भी चार्जेस पे नहीं करने होंगे, यहाँ पे हमारा जो चार्ज है वे बिल्कुल जीरो लगेगा और जितना हम यहाँ पे प्रॉफिट करेंगे वे पूरा हमें अमाउंट मिल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको अदर चार्जेज भी पे करने होते हैं। अब कौन कौन से चार्जेज आपको पे करने होंगे वे चलिए मैं आपको लाइव एम स्टॉक के वेबसाइट पे दिखाता हूँ। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एम स्टॉक का वेबसाइट ओपन कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले लिखा हुआ है कि यहाँ पे लाइफ टाइम रुपए जीरो ब्रोकरेज एंड नो कमीशन, और यहाँ पे फ्री में लिखा गया है कि आप इंट्राडे डिलीवरी फ्यूचर एंड ऑप्शन म्यूचुअल फंड्स आईपीओ एंड करेंसी में ट्रेडिंग कर सकते हो, आपका एक रुपए भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगेगा, बट आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करते समय आपको यहाँ पे पैसे पे करने होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग चार्जेज, और यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आप 999 रुपया प्लस जीएसटी पे करके यहाँ पे आप अपना अकाउंट ओपन कराते हो तो यहाँ पे जो आपका ब्रोकरेज है वे लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाता है और आप यहाँ पे डिलीवरी इंट्राडे फ्यूचर एंड ऑप्शन म्यूचुअल फंड्स आईपीओ एंड करेंसी में ट्रेडिंग कर सकते हो, आपका एक भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगेगा, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। तो आपको अकाउंट ओपन करते समय यहाँ पे आपको लगभग 1200 के आसपास पैसे पे करने होंगे, क्योंकि 999 रुपया इनका है और यहाँ पे जीएसटी ऐड कीजिएगा तो लगभग 1200 के आसपास में अमाउंट हो जाएगा। तो अगर आप अपना ब्रोकरेज चार्ज जीरो कराना चाहते हो लाइफ टाइम के लिए तो आपको इतने पैसे पे करके यहाँ पे अकाउंट ओपन कराना होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि आपका लाइफ टाइम के लिए एएमसी चार्जेज भी फ्री हो जाए, जो यहाँ पे अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज लगते हैं वे भी फ्री हो जाए, तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फीस 999 रुपया पे करने होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्लियर लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो यहाँ पे प्लान को ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो डीमैट अकाउंट का जो ओपनिंग चार्ज है वे यहाँ पे आपको पे करना होगा, यहाँ पे फ्री अकाउंट ओपनिंग नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे जो नीचे एएमसी चार्ज वाला है ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो ले सकते हो या फिर नहीं भी ले सकते हो। अगर आप एएमसी चार्ज यहाँ पे करते हो 999 रुपया और प्लस यहाँ पे फिर से यहाँ पे जीएसटी ऐड होगा वे पे करके यहाँ पे आप अपना अकाउंट ओपन करते हो तो आपका यहाँ पे लाइफ टाइम के लिए एएमसी चार्ज नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आप 999 रुपया यहाँ पे कर देते हो यहाँ पे आपका बिल्कुल फ्री हो जाएगा एएमसी चार्ज, बट अगर आप एएमसी चार्ज यहाँ पे फ्री नहीं कराते हो तो आपको यहाँ पे 120 रुपया एवरी क्वार्टर पे करने होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्लियर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपने मान लो कि 999 रुपया पे करके अपना ब्रोकरेज फ्री करा लिया, यहाँ पे आपने एएमसी चार्ज भी फ्री करा लिया, तब भी यहाँ पे आपको एक चीज नहीं बताया जा रहा है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्लियर लिखा हुआ है कि एएमसी चार्ज यहाँ पे बिल्कुल फ्री है, बट यहाँ पे आपसे एक और चार्ज लिया जा रहा है जो आपको यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है। अब सभी को आ रहा है यहाँ पे देख रहा है कि अगर हम यहाँ पे 999 रुपया पे करके हम अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारा जो ब्रोकरेज है वे फ्री हो जा रहा है, और 999 रुपया और पे कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा जो एएमसी चार्ज है वे भी फ्री हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपसे एक और चार्ज लिया जाता है जो नीचे बताया गया है। यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपसे एक और चार्ज लिया जाएगा जिसका नाम है क्वार्टरली ऑपरेटिंग चार्ज, और यहाँ पे 99 रुपया प्लस 18% जीएसटी ऐड किया जाएगा तो लगभग 116 रुपया के आसपास में आएगा, तो वे आपसे क्वार्टरली चार्ज किया जाएगा 116 रुपया के आसपास में। ये चार्ज आपको क्वार्टरली पे करने होंगे, अगर आपने यहाँ पे एएमसी चार्ज वाला जो प्लान है वे भी लिया है तब भी आपको पे करने होंगे। तो यहाँ पे इन्होंने एक एएमसी चार्ज का दूसरा नाम दे दिया है, क्वार्टरली ऑपरेटिंग चार्जेज। बेसिकली एएमसी का फुल फॉर्म होता है अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेज। तो यहाँ पे जो आप यहाँ पे डीमैट अकाउंट अपना ओपन करते हो तो उसको मेंटेन करने के लिए आपसे कुछ चार्जेज लिए जाते हैं। तो इन्होंने 999 रुपया पे करा के आपसे वहाँ पे बोल दिया कि फ्री है, अब यहाँ पे आपसे एएमसी के नाम पे कोई भी चार्जेज नहीं लिए जाएंगे, बट उसी का यहाँ पे इन्होंने दूसरा नाम दे दिया है क्वार्टरली ऑपरेटिंग चार्जेज, जिसमें ये लोग आपसे 99 रुपया ले रहे हैं प्लस जीएसटी ले रहे हैं, यानी 116 रुपया के आसपास में आपसे अमाउंट ले रहे हैं पर क्वार्टर, तो आपको तो ये पे करने होंगे। तो क्वार्टरली
ऑपरेटिंग चार्जेज के नाम से मैंने किसी भी ब्रोकर पे ऐसा चार्ज नहीं देखा है। सभी पे एक ही चार्ज लिया जाता है AMC चार्जेज, यहाँ पे ये चार्ज नहीं लिया जाता है। तो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आपका AMC चार्ज फ्री हो जा रहा है, बट ऐसा नहीं है। उसी चार्जेज का दूसरा नाम यहाँ पे दे दिया गया है और आपसे यहाँ पे फिर से वो चार्जेज ले लिया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्लियर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप ट्रेड करते हो तो आपका यहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए फ्री है, इसमें कोई भी शक नहीं है। बट आपसे जो अदर चार्जेज है वे लगेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्लियर लिखा हुआ है, जैसे कि DP चार्जेज ड्यूरिंग सेल ट्रांजैक्शन है, ये सभी चार्जेज लगेंगे। अब चलिए, यहाँ पे एक यूजर ने यहाँ पे लाइव ट्रेड लिया है तो उसका जो चार्ज आया है वे मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ कि उसमें कौन कौन से चार्ज लगे हैं और कौन से चार्ज नहीं लगे हैं। तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे एक ट्रेड लिया गया है ऑप्शन में, जिसमें सिर्फ 2 पॉइंट ही मिले हैं और यहाँ पे 70 रुपया प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 70 रुपया ऊपर शो कर रहा है। अब इसमें जो चार्ज लगे हुए हैं वे आप नीचे देख सकते हो। यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन टैक्स है वे लगे हुए हैं 3 रुपया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रोकरेज जो चार्ज है वे नहीं लगे हुए हैं। यहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज बिल्कुल फ्री है, यहाँ पे आप देख सकते हो 0-0 है। बट यहाँ पे नीचे आपको एक एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेज पे करने होंगे, जिसमें आप देख सकते हो 4.36 रुपया लगा हुआ है। उसके नीचे यहाँ पे सेवी टर्नओवर फीस लगा हुआ है, आप देख सकते हो 0.01 रुपया। तो ये सभी जो फीस है वे आपको पे करने होंगे। उसके नीचे आप देख सकते हो CGST है, वे भी चार्ज यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे 39 पैसा करीब में लगा हुआ है। यहाँ पे उसके नीचे है SGST, ये भी यहाँ पे चार्ज लगा हुआ है 39 पैसा, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके नीचे यहाँ पे IGST है, तो इसमें ये चार्ज नहीं लगा हुआ है और ना ही यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी का चार्ज लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो चार्ज लगे हुए हैं वे आप यहाँ पे लाइव देख सकते हो। तो ब्रोकरेज के अलावा भी आपको अदर चार्जेज पे करने होते हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये सभी चार्जेज काट के यहाँ पे जो 70 रुपया में से हमें अमाउंट मिलेगा, जो हमारा प्रॉफिट होगा, वे होगा 61.84 रुपया। यहाँ पे आप देख सकते हो नेट अमाउंट रिसीवेबल बाय क्लाइंट, यानी हमें जो पैसा मिलेगा वे 61.84 रुपया मिलेगा। यहाँ पे आप लाइव देख सकते हो, ये लाइव ट्रेड लिया गया है, उसका ही कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे आपने लाइव देख लिया। अब फ्रेंड्स, एम स्टॉक ऐप में एक और प्रॉब्लम है कि एम स्टॉक जो ऐप है वे काफी लैग कर रहा है। अगर आप एम स्टॉक ऐप को ओपन करते हो तो वहाँ पे आपको कभी कुछ शो ही नहीं होता है। अगर आपने ट्रेड लगा दिया है और फिर से आप उसे ओपन करोगे तो कभी वे ओपन ही नहीं होगा। तो लैग होने के कारण काफी यूजर को प्रॉब्लम फेस करने को पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, एम स्टॉक ऐप अपने यूजर के साथ सबसे बड़ा जो धोखा कर रहा है कि वे AMC चार्ज के नाम पे फीस तो ले रहा है, लोग पे भी कर दे रहे हैं 999 रुपया, बट उसी का दूसरा नाम दे रहा है क्वार्टरली ऑपरेटिंग चार्जेज और फिर यहाँ से आपसे चार्जेज कलेक्ट करने लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने एम स्टॉक के बारे में आपको सारी जानकारी दे दी है। अब आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको एम स्टॉक ऐप पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है या नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।